AI जो टेक्नोलॉजी वो आपके लिए आने वाले समय में काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हे गाइस, मैं वनके सैनी और आप देख रहे हैं जुगाड़ ट्रिक। हे कोई प्रॉब्लम है, कोई विकृत तो सॉल्यूशन है जुगाड़ ट्रिक। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चैट जीपीटी के बारे में, जिसके ऊपर काफी ज्यादा चर्चा की जा रही है। काफी सारे वीडियोस, काफी सारे ब्लॉग पोस्ट आपको ऑलरेडी मिल चुके होंगे, लेकिन क्या ये गूगल को मार देगा, क्या ये यूट्यूब को मार देगा, क्या ये ब्लॉगर को मार देगा, सारी चीजें इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। सारी चीजें मैं आपको क्लियर पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चैट जीपीटी आखिर है क्या। चैट जीपीटी एक तरह का चैटबॉट है, यानी कि एक ऐसा चैटबॉट है जहां पर आपको लाइक ह्यूमन आपको आंसर दिया जाएगा आपकी किसी भी क्वेरी का। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है जीपीटी की, सबसे पहले वो जान लेते हैं, एंड किसने स्टार्ट किया, सारी चीजें इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, आपके सारे डाउट इस एक वीडियो से क्लियर होने वाले हैं। जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। जी हाँ दोस्तों, प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, यानी कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो चैटबॉट है, वो प्री ट्रेंड है। यानी कि अब इसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए किसी बच्चे को आपको समझाना है कि एप्पल क्या है, आपको एप्पल के बारे में किसी बच्चे को समझाना है, छोटे बच्चे को, 2-3 साल के बच्चे को, तो आप उसे एप्पल की तस्वीर दिखाओगे या फिर एप्पल ही आप उसे डायरेक्ट दिखाओगे और आप उसे एप्पल एप्पल बार बार कहोगे, तो उसके दिमाग में एक मैसेज जाएगा कि इस चीज को एप्पल बोलते हैं। इसी तरह से चैटबॉट वर्क करता है, एआई टेक्नोलॉजी जो होती है वो इसी तरह से वर्क करती है। उसे एक इनपुट डाटा देना होता है। मान लीजिए किसी एआई प्रोग्राम को हमें बताना है कि एक रिमोट कंट्रोल है, तो इस रिमोट कंट्रोल का डाटा, जो इसकी इमेज है, वो हमें उस पर अपलोड करनी होगी, इनपुट करनी होगी अलग अलग एंगल से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से, तो वो प्रोग्राम समझ जाएगा कि ये एक रिमोट कंट्रोल है। तो यानी कि एआई जो टेक्नोलॉजी है, उसे भी एक बच्चे की तरह ही हमें इनपुट देना होगा, तभी वो हमें किसी सवाल का जवाब दे पाएगा। इसकी फुल फॉर्म में ही प्री ट्रेंड आ रहा है, तो ये एक प्री ट्रेंड प्रोग्राम होता है। यहाँ पर ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होगा, यानी कि सब कुछ ऑटोमेटिक आपको दिखेगा, लेकिन जो डाटा इसके अंदर है वही आपको दिखाया जाएगा। तो इस तरह से चैट जीपीटी जो है वर्क करता है, एआई जो टेक्नोलॉजी वो इस तरह से वर्क करती है। आई होप ये आप समझ चुके होंगे। चैट जीपीटी ओपन एआई नाम की एक कंपनी ने बनाया है, जिसे जो है 2015 में स्टार्ट किया गया था। एलन मस्क ने स्टार्टिंग की थी इसकी, लेकिन एलन मस्क अब इससे अलग हो चुके हैं। अब इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एलन मस्क इससे अलग हो चुके हैं। नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी थी पहले, लेकिन अब ये फुल्ली प्रॉफिटेबल कंपनी हो चुकी है, यानी कि सिर्फ इन्हें पैसे से मतलब है, पैसे के लिए ही ये काम करने वाले हैं। तो ये बात आपकी क्लियर हो जाती है। अब ये वर्क कैसे करता है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि इन्हें जो है एक डाटा देना होता है, उस डाटा के आधार पर ही आपको ये आंसर देता है किसी भी चीज का। लाइक ह्यूमन आपको जो आंसर है वो ये देने वाला है, तो ये इस टेक्नोलॉजी की एक अच्छी बात है। अब ये जो टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा कमाल की है, कुछ ही सेकंड्स में आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्या ये गूगल को, यूट्यूब को, ब्लॉगर को मारेगा, वो भी चीजें हम आगे जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले के जो है बेस्ड है 3.5 कंप्यूटर लैंग्वेज पे। अब हम जान लेते हैं कि चैटबॉट से, चैट जीपीटी से आखिर आप क्या क्या काम करवा सकते हो, किस किस काम में आप ले सकते हो। आप किसी भी सवाल का यहाँ पर जवाब कुछ ही सेकंड में पा सकते हो टेक्स्ट फॉर्म में। आप जो है किसी ब्लॉगर के लिए या किसी भी वेबसाइट के लिए, अगर मान लीजिए कोई कोडिंग चाहते हो, यानी कि आपको कोडिंग की कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन आप एक इनपुट देके और यहाँ से पूरा कोड कॉपी करके इसे अपनी साइट में यूज कर सकते हो। लेकिन इसका एक जो है यहाँ पर ड्रॉबैक भी है, क्योंकि यहाँ पर डाटा दिया गया है, एआई बेस्ड प्रोग्राम है तो डाटा दिया गया है, यहाँ पर कुछ खामियां भी अभी है। और दूसरी बात, 2021 तक का ही डाटा इनके पास है, तो 2021 तक का ही डाटा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसके साथ ही आप यहाँ पर किसी YouTube वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो, उससे जो भी इनके पास डाटा है उस आधार पे आपको एक स्क्रिप्ट बनाकर कुछ ही सेकंड्स में तैयार करके दे देगा, तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। अगला जो इसका काम हो सकता है, तीसरा जो काम, वो ये जो है आर्टिकल्स भी आपको रेडी करके दे सकता है किसी वेबसाइट के लिए। वर्डप्रेस, ब्लॉगर वगैरह पर आप आर्टिकल लिखते हो, आपका एक ब्लॉग पोस्ट है, तो उसके लिए आप यहाँ पर आर्टिकल भी ले सकते हो। हालांकि ये जो है कितना यूजफुल होगा, गूगल इसे एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, ये थोड़ा कहना मुश्किल है। आपको यहाँ पर काफी सारी खामियां मिलेगी, तो आपको मैनुअली भी चेक करके काफी सारी खामियों को चेंज भी करना होगा। तो ये इस तरह के काम कर सकता है। इसके साथ ही ये आपके लिए एआई टूल्स भी बना सकता है, यानी कि एआई टूल्स की जो कोडिंग है वो आपको प्रोवाइड कर देगा, उसके बाद आप एआई टूल्स भी बना सकते हो। तो ये सारे काम है, एंड ये जो टेक्नोलॉजी वो काफी ज्यादा अच्छी है,
काफी हाई लेवल की एंड काफी जो है फ्यूचरिस्टिक एक टेक्नोलॉजी है, जो कि आपके लिए काफी अच्छी भी साबित हो सकती है, लेकिन आपके लिए खतरनाक कैसे साबित हो सकती है वो भी हम आगे जानने वाले। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि गूगल यूट्यूब के ऊपर इससे क्या खतरा है। देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है चैट जीपीटी, वो पहले 5 दिनों में ही 1 मिलियन लोगों तक पहुंच चुकी थी। इंस्टाग्राम को 1 मिलियन लोगों तक पहुंचने में 10 महीने का समय लगा था। फेसबुक को 45 डेज के लगभग में टाइम लगा था। 1 मिलियन लोगों तक पहुंचने में सिर्फ 5 दिन लगे। तो टेक्नोलॉजी तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल की है एंड इसके साथ ही मार्केट में काफी ज्यादा चर्चा भी है इसका। इस वजह से लोग इसे ट्राई भी काफी फास्टली कर रहे हैं, तो इसी वजह से ये जो है काफी ज्यादा ट्रेंड में है। चैट जीपीटी से गूगल को कितना खतरा है, क्या गूगल खत्म हो जाएगा, इस चीज के बारे में इस टॉपिक के ऊपर अब बात कर लेते हैं। देखिए, गूगल के ऊपर ऑलरेडी इतना सारा डाटा है जो कि चैट जीपीटी के लिए फिलहाल कलेक्ट करना एकदम नामुमकिन है। अब इसके साथ ही काफी लोग कह रहे हैं कि चैट जीपीटी अभी तक इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, लेकिन आपको इसे एक्सेस करने के लिए इंटरनेट की जरूरत होगी, अदरवाइज आपको आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। अब ये जो चैट जीपीटी है, ये बेसिकली इंटरनेट से ही आपका जो डाटा है वो कलेक्ट करेगा और इंटरनेट से ही आपको जो है पूरे सवालों का जवाब देगा। जो यूट्यूबर्स या जो ब्लॉगर्स हैं, वो जो डाटा एंटर कर रहे हैं गूगल पर, वही डाटा ये आगे के समय में उठाएगा और उसी से आपको जवाब देगा। गूगल एक सर्च इंजन है, लेकिन गूगल कोई भी कंटेंट खुद से अपलोड नहीं करता है। सारा जो कंटेंट है वो ब्लॉगर यूट्यूबर्स ही अपलोड करते हैं, उसी के आधार पर गूगल सर्च में आपको आपके सवाल का जवाब दिखाता है। यानी कि गूगल के पास खुद का कोई भी कंटेंट नहीं है, लेकिन जो ओपन एआई है उसने कंटेंट यहाँ पर ऐड किया है, डाटा ऐड किया है, लेकिन यहाँ पर इसकी लिमिटेशन है। अगर ये इंटरनेट से एक्सेस करेगा तो ये दूसरे का डाटा उठा पाएगा। यदि ये दूसरे का डाटा नहीं उठाएगा तो आपको सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। अगर दूसरे का डाटा उठाएगा तभी ये सवाल के जवाब दे पाएगा, क्योंकि ये जो है एआई बेस्ड है और इसे ट्रेंड करने की जरूरत पड़ती है। खुद से ये कुछ भी नहीं कर सकता, गूगल भी खुद से कुछ नहीं कर सकता। गूगल के पास भी यूट्यूबर ब्लॉगर कंटेंट अपलोड करते हैं तभी वो डाटा आपको शो करेगा, अदरवाइज ये जो कंपनीज है वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि सारा जो डाटा है हम जैसे लोग ही यहाँ पर अपलोड करते हैं, वही यहाँ पर बताते हैं कि इस सवाल का जवाब जो है ये होगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पर तय करते हैं। तो यदि यहाँ पर ब्लॉगर यूट्यूबर्स ऐड नहीं होंगे तो यहाँ पर कोई भी जो टेक्नोलॉजी है काम की नहीं होगी। यानी कि यहाँ पर डाटा तो आपको स्टोर करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से जो है गूगल पर मेरे हिसाब से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जब यूट्यूबर या फिर ब्लॉगर ही नहीं होंगे तो आपके पास डाटा कहाँ से आएगा। जब डाटा एंटर करने वाले लोग ही नहीं होंगे तो डाटा कहाँ से आएगा, किस तरह से आप जवाब दोगे। कुछ सवालों का जवाब या कुछ डाटा तो इन्होंने ऐड कर दिया, लेकिन सारा डाटा पॉसिबल नहीं है कि दुनिया का सारा ज्ञान आप इसमें खुद से एंटर कर सको, ये किसी भी ब्रांड के लिए पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं यूट्यूब के ऊपर इससे क्या खतरा है। तो देखिए, यूट्यूब के ऊपर इससे बिल्कुल भी खतरा नहीं है, क्योंकि यूट्यूब एक वीडियो बेस्ड कंटेंट प्लेटफॉर्म है, वीडियो बेस्ड एक सर्च इंजन है, जहाँ पर टेक्स्ट का कोई काम नहीं है। सिर्फ टेक्स्ट से आप सर्च कर सकते हो, आप वॉइस से भी सर्च कर सकते हो। बात करें चैट जीपीटी की, तो चैट जीपीटी एक टेक्स्ट बेस्ड जो है प्रोग्राम है, टेक्स्ट बेस्ड एक चैट बोट है, जहाँ पर सिर्फ आपको टेक्स्ट में ही सारा डाटा मिलेगा। YouTube जैसा आपको कंटेंट यहाँ पर नहीं मिल सकता है, फिलहाल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर YouTube पर भी इसका कोई खतरा नहीं है। अब बात करते हैं कि चैट जीपीटी या फिर किसी भी तरह की AI बेस्ड टेक्नोलॉजी गूगल के पास है या नहीं है। गूगल के पास भी चैट जीपीटी जैसी AI बेस्ड एक टेक्नोलॉजी है। गूगल ने 2022 में ही इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम है लेमडा 2। इसके बारे में गूगल पे जाके आप आराम से सर्च कर सकते हो। ये एक AI बेस्ड प्रोग्राम है, चैटबॉट है, जहां पर आपको आने वाले समय में काफी सारे गूगल के ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जो कि इस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होंगे। इसके साथ ही गूगल जो है ओपन AI की तरह किसी भी AI टेक्नोलॉजी पर डिपेंड क्यों नहीं है। गूगल की जो सोच है, गूगल चाहता है कि उसके कस्टमर को ट्रस्टेबल नॉलेज मिले, ट्रस्टेबल सवाल का जवाब मिले, जबकि AI बेस्ड में ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर जो है AI बेस्ड प्रोग्राम में किसी भी तरह का गलत डाटा दिया जाएगा तो आपको आंसर भी गलत मिलेगा। इसमें सोच समझ की यहाँ पर जो समझ है वो नहीं होती है। प्री ट्रेंड जो है प्रोग्राम होता है, जहाँ पर आप जो डाटा दोगे उसी के आधार पर आपको आउटपुट मिलेगा।
तो गूगल नहीं चाहता है कि उसके जो कस्टमर्स है, उसकी जो ऑडियंस है, वो गलत जवाब देखकर उसके प्लेटफॉर्म को छोड़कर चले जाए। गूगल ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है। इसी वजह से यूट्यूबर्स या ब्लॉगर्स का जो कंटेंट है वो अपने सर्च इंजन पर शो करता है, या एक्सपर्ट्स का जो सर्च इंजन पर अपना रिजल्ट है वो शो करता है। इस वजह से गूगल पूरी तरह से डिपेंड नहीं है AI प्रोग्राम पर, और ना ही कभी होगा। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि AI जो टेक्नोलॉजी है वो आपके लिए आने वाले समय में खतरा कैसे बन सकती है। देखिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा दूं कि फेसबुक ने काफी समय पहले एक चैटबॉट तैयार किया था, AI बेस्ड चैटबॉट तैयार किया था, जिसमें दो रोबोट आपस में जो है लैंग्वेज में बात कर रहे थे, जो कि उन्हें प्री डाटा जो दिया था उसके हिसाब से। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि उन दोनों रोबोट्स ने अपनी ही एक लैंग्वेज डेवलप कर दी, यानी कि उनकी AI टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा हाई लेवल की थी, जिस वजह से उन्होंने खुद की जो अपनी लैंग्वेज है वो स्टार्ट कर दी बनाना, और उसी लैंग्वेज में बात कर रहे थे। जिसके बाद जो डेवलपर है जिन्होंने इस AI बेस्ड टेक्नोलॉजी को बनाया था, उन रोबोट्स को बनाया था, उनका कंट्रोल उन पर खत्म हो चुका था, जिसके बाद वो काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। इस वजह से फेसबुक ने उस प्रोग्राम को वहीं पर बंद कर दिया और उन रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी कि इसी तरह से अगर मान लीजिए इन फ्यूचर पर ChatGPT जैसी टेक्नोलॉजी में भी इसी तरह की खामियां आ जाती है, वो खुद का ही कुछ एडवांस्ड लैंग्वेज या एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अपनी जो है अलग से डेवलप कर लेती, तो हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके साथ ही एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, हॉलीवुड की एक मूवी है, मुझे नाम याद नहीं है उस मूवी का, लेकिन उसमें एक किसी अन्य ग्रह की जो टेक्नोलॉजी थी AI बेस्ड टेक्नोलॉजी, वो काफी ज्यादा हाई लेवल की, काफी ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी थी, जिसका कंट्रोल इंसान के बस में नहीं था। वो जो रोबोट्स थे उन्होंने इंसान के ऊपर ही अटैक कर दिया और इंसान का नामो निशान खत्म कर दिया। इसके ऊपर काफी साल पहले एक जो मूवी है वो हॉलीवुड ने बना दी है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमारे साथ भी आ सकती है, क्योंकि मशीन के ऊपर इंसान का कंट्रोल होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर मशीन पर इंसान का कंट्रोल खत्म हुआ तो मतलब इंसान का अस्तित्व भी खत्म हो सकता है। आई होप ChatGPT के बारे में आपके सारे जो सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल चुके होंगे। काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है, एक लिमिट तक इसका यूज करना ही काफी ज्यादा सही है हमारे लिए। अदरवाइज इंसान के फ्यूचर का क्या होगा वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड यहाँ पर आपको काफी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।